वेलकम दोस्तों, स्वागत है आरसी यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो में इसमें कुछ बहुत बदलाव है। ठीक है, एक बेहतर कटिंग करने के लिए, सेलिंग कटिंग करने के लिए आपके पास टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक मिस्त्री के पास एक टूल्स होना ज़रूरी है और टूल्स होना बहुत आवश्यकता होती है। अब टूल्स को कैसे प्रयोग करेंगे इस वीडियो में आप आपको समझाएंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लाइट लेंगे, उसको हम इंची टेप से इसको पहले हम मेजरमेंट करेंगे कि कितना हमारा इसमें आवश्यकता पड़ रहा है, कितना हमारा कटना है। अगर प्लाई ज़्यादा काटते हैं यानी सेलिंग ज़्यादा काटते हैं तो आपको दिक्कत होगा। वहाँ पर ये बड़ा लाइट और छोटा लाइट लगाने के लिए आपको हम बताए हैं, पहले फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि बड़ा लाइट कैसे कट जाएगा और बता चुके हैं। ठीक है ना, अब इस वीडियो में हम बड़ा लाइट को हम बताएंगे और उस जो कटिंग करने वाला मशीन भी है और उससे सबसे बड़ा भी है। ठीक है, इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे और कैसे ड्रिल मशीन में सेव कर और हम काटेंगे इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले हम कोई भी कटिंग करने से पहले यहाँ पर हम लाइट ले लेंगे। लाइट को ऐसे नापेंगे, जो ये वाला पॉइंट है जैसे कि दिख रहा है, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के थोड़ा सा हल्का बाहर और इधर से, ठीक है ना, इसमें 7 इंची हो रहा है। ठीक है ना, 7 इंची, ठीक है, 7 इंची पर हो रहा है, 7 इंची, 7 इंची नहीं, कितना इंची होगा, थोड़ा सा फिर से करते हैं मेजरमेंट बढ़िया से। तो यहाँ पर होगा हमारा यानी 6 इंची पर, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने 6 इंची पर ये दोनों पिन हमारा ये आ जा रहा है। ठीक है ना, कटिंग करेंगे तो हम ऐसा मेजरमेंट करेंगे कि यहाँ पर हम 6 इंची पर हो जाने चाहिए, ताकि ये गोल घूमेगा तो सर्किल में घुसेगा, ये बीच वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 6 इंची पर हम नापेंगे, 3 इंची इधर और 3 इंची इधर, ठीक है दोस्तों, रहना चाहिए, तब जाकर होगा। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर हम रखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 इंची को यहाँ पर रखकर 3 इंची इधर से यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले इस पिन को यहाँ पर करेंगे, इसे यहाँ पर रखेंगे, फिर पिन को यहाँ पर करेंगे, उसके बाद से हम फिर उसके बाद से 3 इंची पर रख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद से हम लॉक कर देंगे, लॉक कर दिए, उसके बाद से ये टूल से खोलने वाला, इसे खोल देंगे, चाबी कहते हैं इसको, यहाँ पर इसको खोलेंगे। ठीक है, खोलेंगे और फिर यहाँ पर इंची टेप उठाएंगे, 3 इंची पर ले चलेंगे कि 3 इंची जहाँ पर पहुँच रहा है वहीं पर तक ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जा रहा है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, चाबी से इसको हम पूरा लॉक कर देंगे, बिल्कुल टाइट कस देंगे यहाँ। ठीक है ना, पूरा टाइट यहाँ पर कस देंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम टाइट रखेंगे कि घसकेगा नहीं। ठीक है ना, फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 इंची यहाँ पर नापे ना, तो फिर 3 इंची यहाँ पर फिर इसको पीछे करेंगे, फिर चाबी इसको खोलेंगे, खोल कर पीछे करेंगे। ठीक है, 3 इंची हो गया, यानी हमारा 3 इंची पर ब्लेड होना चाहिए, 3 इंची पर ब्लेड होना चाहिए, 3 इंची पर 3 इंची पर ब्लेड होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, तीन इंच पर ब्लेड होना चाहिए, और ब्लेड होने पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाबी को मानते हैं कि अभी फिर मानते हैं कि ये तो एक हो गया 3 इंची का, 3 इंची इधर 3 इंची इधर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो फिर से इसको मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पर 3 इंची हो रहा है और यहाँ पर 3 इंची हो रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पूरा इसको टोटल मेजरमेंट करेंगे, टोटल को मेजरमेंट करेंगे, 6 इंची हो रहा है एक में। ठीक है ना, 6 इंची से ये कम हो रहा है, यानी ये थोड़ा सा भी कम है। ठीक है ना, 6 इंची कम हो रहा है, तो 6 इंची थोड़ा सा और खोलेंगे, इसको चाबी से फंसा कर इसको खोल देंगे। इसी में मेन कहानी है, अगर ये आपको बराबर हो गया तो नीचे तो और भी पिन बराबर में दिक्कत नहीं होगा। हम टोटल यहाँ पर 6 इंची लेकर नापेंगे और कटिंग करने के लिए तैयारी करेंगे, पूरा एकदम एक्यूरेट हो गया, उसके बाद से उसको चाबी को लॉक कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको कहीं कटिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, ये टोटल हमारा 6 इंची का हो गया। अब दोनों को टाइट कर देंगे और ब्लेड का जो भी सिरे टाइट कर देंगे, इस सिरे टाइट कर देंगे। ठीक है ना, अभी चेक कर लेंगे कि ये भी ढीला तो नहीं है, सबको टाइट रहना चाहिए, तो और छटकेगा तो आपको अगर बॉडी पर लगे कहीं तो सीधे कट कर सकता है, यानी घातक कर सकता है, यानी खतरा हो सकता है। ठीक है ना, उसके बाद करेंगे हम चक को खोल देंगे, चक खोल कर उसको उसमें डाल देंगे, उसको फिर बिल्कुल टाइट इसको हम कर देंगे, इस चक को बहुत आराम से ढीला रहेगा तो नीचे तक चक को तोड़ सकता है। ठीक है ना, चक को तोड़ देगा इसको, फूल से चारों तरफ से इसको हम चक को फंसा कर इसको हम टाइट कर देंगे। इसको पूरा कितनों मोटा से मोटा प्लाई होकर ये वर्क करेगा, वहाँ पर वर्क कर काट देगा, कटिंग कर देगा आराम, बिल्कुल आराम से। जनपे करते कितने इंच होता है, 1 इंच तक प्लाई होता है, चाहे वाटर प्रूफ हो चाहे कोई भी प्रूफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कटिंग कर सकता है। उसके बाद से हम ले लिए, लाइट को मेजरमेंट कर लिए और एक खाली और क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखकर देख लेंगे कि हो रहा है कि नहीं बराबर, एकदम परफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर एक से परफेक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपके सामने, परफेक्ट हो रहा है, एकदम पूरा लाइट चला सीधा देख लीजिएगा तो परफेक्ट होगा। ठीक है ना, परफेक्ट हो गया, एकदम बिल्कुल जगह बढ़ जाएगा, एकदम बिल्कुल जगह बढ़ जाएगा, और जब जब
सीधा कौन सी लाइट पड़ जाएगा उसके बाद रनिंग करेगा। उसके बाद हम मेजरमेंट कर लिए, अब सबको हम लाइट को हटाएंगे, उसके बाद से हम प्लाई ले आएंगे और जहाँ आपको प्लाई टिक मांगे जहाँ कौन सी लाइट लगाना होगा वहाँ पर करेंगे हम ले लेंगे। और वहीं पर हम धीरे से अपना ड्रिल मशीन लेंगे, हम टाइट कर चुके हैं यहाँ पर, टाइट कर चुके हैं और ड्रिल मशीन लेकर इसको हम डाल देंगे। ठीक है, लॉक हो गया, देखिए अभी कैसे नाचता है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है ना, इसी तरह नाच के गोल 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 नाच रहा है ना, बिल्कुल गोल गोल नाच रहा है, ऐसे गोल गोल नाच कर कटिंग कर देगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम ड्रिल में रखेंगे। ठीक है, ड्रिल हमें नहीं रखेंगे, ड्रिल में सिर्फ ड्रिल करेंगे, अगर हमको ड्रिल से मतलब है। ठीक है ना, ठीक है ना, अब इसको हम गरी काटेंगे और काट कर उसके बाद से हम आपको सामने लाइट को फंसाएंगे। चलिए हम प्लाई लाते हैं। ठीक है, इसको चलाने के लिए बिल्कुल आपको ध्यान नहीं चलाना, नहीं चलाएगा ध्यान से तो बिल्कुल आपको खतरा करेगा, घातक करेगा, पूरा घातक करना, पूरा घातक मशीन है, आपको ध्यान से रखकर ही चलाना होगा। ठीक है ना, उसके बाद से हम प्लाई लेंगे, प्लाई को मेजरमेंट करेंगे कितना पड़ रहा है। ठीक है, सेटअप करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर प्लाई ले चुके हैं, कल दिखे हैं, कल दूसरे वीडियो में हम लगा चुके हैं, लाइट लगाए थे, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैमरा को और ये बड़ा वाला लाइट को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा है कुछ सामने, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहीं पर हम लगाएंगे बड़ा लाइट को, क्योंकि यहीं पर रनिंग कर जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिक्स करते हैं और यहीं पर लाइट हमको कटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम कटिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम मशीन को अब यहाँ पर चलाना शुरू रख दिए हैं और यहीं पर ऐसे हम कटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले इसको यहाँ पर हम डिलीट करेंगे, दिख रहा है आपके सामने, यहाँ पर बिल्कुल आपको डिलीट करेगा एकदम आराम से, और थोड़ा सा यहाँ पर हम डिलीट करेंगे, देखिए नाच रहा है बिल्कुल, गोल गोल नाचने से क्या बोलेंगे। दिख रहा है यहाँ पर गोल चिनासी लग चुका है, अब इसी तरह गोल गोल घूमकर एकदम बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गोल गोल कट जाएगा, देखिए आपको सामने काटते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम कटिंग कर चुके हैं और यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल गोल निकल चुका है, यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने, बिल्कुल गोल करके कटिंग निकल चुका है। अब इसको यहाँ पर निकाल देंगे और मशीन को एक साइड रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मशीन को एक साइड रखेंगे, अब सीधे काट लेंगे, आपके सामने दिख रहा है ना, बिल्कुल गोल कट चुका है, इसको हम थोड़ा सा हटाएंगे, यहाँ पर बोलकर गोल कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर करेंगे हम लाइट लेंगे, यहाँ पर दिख रहा है ना लाइट, आपको बोला है ना बड़ा वाला लाइट को लगाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्प्रिंग को ऐसे मोड़ेंगे, स्प्रिंग को मोड़ और इसको डब्बी को अंदर डाल देंगे, जहाँ पर ये वायरिंग होगा उसको वहीं पर हम डाल देंगे। उसके बाद से अब स्प्रिंग को एक फंसाएंगे, एक स्प्रिंग को यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक स्प्रिंग को डाल दिए और फिर एक स्प्रिंग को, दोनों स्प्रिंग को एक साथ मोड़ कर ऐसे हल्का स्प्रिंग को दाब कर पूरा स्प्रिंग यहाँ पर, ओ सीट, हाँ यहाँ पर देखिए इस लगा चुके हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर हम उसको दाब को अंदर कर देंगे। ठीक है, ऐसे अंदर कर देंगे, अब बिल्कुल बराबर बढ़ जाएगा, उसके बाद से बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का हाइट रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन हल्का बिल्कुल यहाँ पर